शान आई तुझ देऊन। अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहने वाले वार्ड 80 के भाजपा नगर सेवक मुरजी पटेल एक बार फिर कोंकण बस यात्रा के आयोजन को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुरजी पटेल ने अपने क्षेत्र के कोंकण वासियों के लिए मालवण के आंगनवाड़ी में होने वाली माँ भराड़ी देवी की जत्रे के लिए 13 बसों की मुफ्त यात्रा निकाली। कोंकण के मालवण में लगने वाला यह आंगनवाड़ी जत्रा वहाँ की लोक देवी माँ भराड़ी देवी के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी का यह स्थान जागृति देव स्थानों में से एक है। यही वजह थी कि देवी की जत्रे पर जाने के लिए लोगों का तांता भाजपा कार्यालय पर शाम से ही लगा हुआ था। आंगनवाड़ी के लिए निकलने वाली इस यात्रा का शुभारंभ स्वयं भाजपा नगर सेवक मुरजी पटेल ने नारियल फोड़कर किया। मुरजी पटेल की ओर से आयोजित इस बस यात्रा में वयस्क व बुजुर्गों के साथ साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी देखे गए, जिन्होंने यात्रा के दौरान अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुरजी पटेल का धन्यवाद किया। एरियामध्ये पण काका निवडून आल्याच्या नंतर आम्हाला एक संधी उपलब्ध होऊन झाली आहे, त्याचे आम्ही आभारी आहोत त्यांचे खूपच। त्यांनी इथून आम्हाला एवढी जाण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, त्यांचे पहिले आभारी आहे। दर्शन के लिए जा रहे बड़े बुजुर्गों में भी अपने नगर सेवक को लेकर खुशी देखी गई। उन्होंने इस यात्रा के लिए मुरजी पटेल का आभार व्यक्त किया। यात्रा को लेकर ये कहना चाहेंगे क्योंकि हम लोग का जो मालवणी है मुझ कोकण में, ये हम लोग का बहुत बड़ा देवस्थान है, तो हम लोग यहाँ जाने के लिए, मतलब मैं तो पहली बार जा रही हूँ, वो भी हमारे काका की वजह से, क्योंकि इससे पहले कभी इतने जन आए चुन के लेकिन किसने ऐसा नहीं किया। और हम लोग जो जा रहे हैं अभी इनके लिए, इसके लिए काका के बहुत आभारी है। हम मालवण में आंगने देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और वो देखने के लिए हम पहली बार जा रहे हैं और बहुत खुशी से जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये मौका मिला है जाने के लिए और बहुत अच्छी सुविधा की है हमारे लिए इन्होंने, काका ने, इसीलिए बहुत खुश है हम लोग। आम्ही पहिल्यांदाच जातो आहे तुमच्या, म्हणजे तुम्ही जी सोय केली त्याबद्दल तर आम्हाला खूप बरं वाटतंय आणि आम्ही जरूर आनंद घेऊ या गोष्टीचा। शिर्डीमध्ये एवढी सोय मस्त केलेली, आता भी मस्त गणपतीमध्ये करताना काका, असं नगरसेवक आमच्याकडे कधी आला भी नाही, पहिली वर काकाने केली आहे व्यवस्था एकदम चांगली आहे। पहिल्याच टायमाला मी आलो आणि एकदम सुंदर आहे सगळं, अगदी मी पहिल्याच टायमाला जातो आहे अंगणवाडीच्या जत्रेला मालवणला, एकदम चांगलं वाटतंय, एकदम खुश आहे। भराडी देवी का कोकण वासियों का देवस्थान है हम लोगों का, हम लोगों के लिए काका ने जो हम लोगों के लिए आज हमारी भराडी देवी के दर्शन के लिए जो गाड़ी छोड़ी है उन्होंने हम लोगों के लिए इतना जो किया है, हम लोग इनके आभारी है, धन्यवाद। इस यात्रा के आयोजन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मुरजी पटेल की सराहना की। ये यात्रा जो निकाली जा रही है कोंकण के लिए निकाली जा रही है और हमारे कोंकण में जो भराड़ी देवी है उसकी यात्रा बहुत, मतलब हर गांव से लोग जाते हैं और हर साल काका ने, मतलब गए साल 10 गाड़ी दी थी, इस साल शायद 12, मतलब दो बढ़ गए, गाड़ी की बढ़ते ही जा रही है। लोगों की मांग भी ऐसी है कि ऐसे नगर सेवक दोबारा हमको मिलेंगे नहीं, इसके लिए लोग बहुत खुश हैं। बहुत सारे कोंकण वासी उनके जो वहाँ श्रद्धा स्थान है भराड़ी देवी माता का, उनके दर्शन के लिए हर साल जाते हैं, इस साल भी उससे दुगुना लोग यहाँ से जा रहे हैं और उतनी दुगनी बसेस उनके सेवा में हमने मुरजी भाई की माध्यम से दिया है और लोग बहुत आनंदित है कि उनको अपने माता जी का दर्शन भी होता है, साथ साथ अपने घर में भी जाने को उनको मौका मिलता है, तो लोग बहुत खुश है और मुरजी भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं भाजपा नगर सेवक मुरजी पटेल ने इस यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी यात्रा का विशेष महत्व है, लोगों को वक्त पर टिकट नहीं मिल पाता, इसलिए हमने लोगों की आस्था को देखते हुए इस बस यात्रा का आयोजन किया है। महाराष्ट्र में आंगने देवी यात्रा का एक महत्व है और कोंकण में खास करके ज्यादा है और हमारे क्षेत्र में कोंकणवासी ज्यादा है और ये हमारा दूसरा साल है आंगनवाड़ी यात्रा के लिए हम बसेस छोड़ रहे हैं। ये हमारा एक परिवार है और परिवार के साथ खड़ा रहना हमारा कर्तव्य है। यहाँ अभी आंगनवाड़ी यात्रा के लिए लोगों को ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है, बस की टिकट नहीं मिलती है, तो इसके लिए हम लोग ने मिलकर एक निर्णय किया कि हर साल आंगनवाड़ी यात्रा अपने क्षेत्र के लिए बस छोड़ने। ये हमारा एक परिवार है, परिवार का हर क्षण, चाहे गणपति हो,
चाहे आंगनेवाड़ी यात्रा हो या शिरडी यात्रा हो, वो हम सब मिलकर हर साल करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहे। जहां एक और अन्य राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए अक्सर लुभावने कार्यक्रमों का आयोजन करते देखे जाते हैं, वहीं भाजपा नगर सेवक मुरजी पटेल अपने धार्मिक व सामाजिक आयोजनों के चलते अब जनप्रतिनिधियों की विशेष पंक्ति में गिने जाने लगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़, मुंबई।